नमस्कार। लंच की थाली में आज मैं बनाने जा रही हूँ सोयाबीन की बड़ी और दही तड़का। तो चलिए इसे बना लेंगे। तो सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे 150 ग्राम सोयाबीन की बड़ी। और सब्जी में डालने के लिए मैं ले रही हूँ एक आलू, तो इसे भी छील लेंगे और बारीक बारीक पीस करके रख लेंगे। साथ ही लेंगे दो टमाटर, इसे भी हम बारीक कट करके लेंगे। और ग्रेवी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ दो प्याज, चार हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। सभी की एक साथ हम प्यूरी तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पानी डाल लेंगे और स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। सोयाबीन को उबालने के लिए 4 कप पानी गर्म करने रख लेंगे, उसमें डाल देंगे बड़ी को। जब तक सोयाबीन बड़ी सॉफ्ट हो रहा है, तब तक हम दूसरे बर्नर पे सब्जी की तैयारी कर लेंगे। तो 2 चम्मच तेल गर्म करने रख लेंगे। तेल गर्म हो गया है तो आधा चम्मच खड़ा जीरा डाल लेंगे। जो प्यूरी हमने तैयार की उसे डाल देंगे। हाई फ्लेम करके इसे पकने देंगे ढक के। बड़ी सॉफ्ट हो गया है तो गैस बंद कर लेंगे और इसे छान लेंगे और अब इसे ठंडे पानी में डाल लेंगे और अब इसे निचोड़ के प्लेट में रखते जाएंगे। ग्रेवी भी चेक कर लेंगे। इसमें डाल देंगे आलू, साथ ही डाल देंगे सोयाबीन की बड़ी। सूखे मसाले डाल लेंगे, तो 2 चम्मच डाल देंगे धनिया का पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। नमक डाल लेंगे टेस्ट के अनुसार। सभी को मिला लेंगे और अब इसमें डाल देंगे टमाटर और मीडियम फ्लेम पे ढक के पकने देंगे। और जब तक सब्जी रेडी हो रहा है, हम इसके लिए दही तड़का तैयार कर लेंगे। दूसरे बर्नर पे पैन रख लेंगे, उसमें डाल देंगे 1 चम्मच तेल। दही तड़का बनाने के लिए 2 कप दही लेंगे, इसमें डाल देंगे 2 चम्मच बेसन। इसे मिला लेंगे। तेल गर्म हो गया है, इसमें डाल देंगे आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सरसों, मीठी नीम के पत्ते, 2-3 हरी मिर्च, लाल मिर्च, 1 छोटा सा प्याज डाल देंगे बारीक चॉप करके, 1 टमाटर डाल देंगे बारीक कटी हुई। और अब इसमें डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। साथ ही डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार। अब इसमें डाल देंगे 1 कप पानी, साथ ही डाल देंगे दही। मिला लेंगे और ढक के मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। सब्जी चेक कर लेंगे, टमाटर को मैश कर देंगे और मिला लेंगे। सब्जी को थोड़ी देर ऐसे ही भून लेंगे और अब इसमें डाल देंगे 2 कप पानी। और अब ढक के पकने देंगे। चेक कर लेंगे, दही तड़का रेडी हो गया है। गैस बंद कर लेंगे। इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। सब्जी चेक कर लेंगे, सब्जी रेडी हो गया है। गैस बंद कर लेंगे। इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती। सब्जियां बनके तैयार हैं और अब बना लेंगे रोटी। थाली सर्व कर लेंगे। साथ में 2 चपाती, प्याज टमाटर का सलाद। लंच की थाली तैयार है, तो आप भी इस तरीके से बनाएं। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप इसे मेरे इंस्टाग्राम पेज जायका विद कुलेश पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।